नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ विजन टीवी में। मैं हूं आपके साथ नेहा। फर्जी शिक्षा कर्मी का मामला फिर एक बार तूल पकड़ लिया है। मामला मैनपुर जनपद पंचायत का है, जहां 2005 से 2007 के बीच 129 शिक्षा कर्मियों वर्ग 2003 की नियुक्ति फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर कर दी गई थी। युवा संघ मोर्चा गरियाबंद के कार्यकर्ताओं ने जिला संयोजक चंदन सोनी, महासचिव अशोक सोनी, सकुचिला पवन कुमार यादव के नेतृत्व में कल इनके बर्खास्तगी के लिए कलेक्टर के नाम CEO मैनपुर नरसिंह ध्रुव को ज्ञापन सौंपा है। फर्जी दस्तावेज पाए जाने के कारण पहले भी 82 शिक्षा कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। मोर्चा का आरोप है 129 शिक्षा कर्मियों के दस्तावेज फर्जी पुष्टि होने के बाद भी पेपर बने हुए हैं। इस मामले को लेकर मोर्चा कल धरने पर बैठने वाली थी, मगर ज्यादा तादाद में मोर्चा के कार्यकर्ता नहीं पहुंचने के कारण उसे स्थगित कर केवल ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है आगामी कुछ दिनों में तैयारी कर धरने पर बैठेंगे। मोर्चा ने जब CEO को ज्ञापन सौंपा तो CEO नरसिंह ध्रुव ने आगामी सामान्य सभा में इस मामले को लेकर प्रस्ताव करने की बात कही है और उन्होंने नियमानुसार कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। आज आंदोलन होने जा रहा था, लेकिन हमारे अध्यक्ष जो की तबीयत खराब होने के कारण अभी CEO जनपद पंचायत मैनपुर को ज्ञापन सौंपा गया है। हमारा आंदोलन जो है जारी रहेगा। धन्यवाद। पिछले वाला जो 30 तारीख को सामान्य प्रशासन समिति की बैठक हुआ, उसमें किसी कारणवश सभी जनपद सदस्यों का सहमति नहीं बनने के कारण से प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया है। एक नेक्स्ट सामान्य प्रशासन समिति के समक्ष में हम इस जो उनको निकालना है, बर्खास्त करना है, उसका प्रस्ताव कैसे पारित होता है, उसके बाद नियमानुसार उनको बर्खास्ती की कार्रवाई किया जाएगा। ये कब तक की? अगली इस महीने का सामान्य प्रशासन समिति की बैठक अभी निर्धारित नहीं किए हैं। जैसे निर्धारण होता है तो उस समिति की बैठक में हम इसको रखेंगे और नियमानुसार जो उनको बर्खास्त की कार्रवाई सामान्य प्रशासन समिति की बैठक अनुमोदन पश्चात किया जाएगा। युवा संघ मोर्चा, पवन कुमार यादव जिला सचिव हूँ मैं। आज जो फर्जी शिक्षा कर्मी जो भरे थे, आज उसका जो धरना प्रदर्शन था और आंदोलन था, लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष युमेंद्र कश्यप जी का अचानक तबीयत खराब होने के कारण जो हमारा प्रदर्शन हो नहीं पाया, इसीलिए हम CEO साहब से अपना ज्ञापन सौंपे हैं और जब तक ये फर्जी शिक्षा कर्मी को निकालना दे तब तक के हमारे ये आंदोलन नहीं रुकेगी। मैं अशोक सोनी, युवा संघर्ष मोर्चा गरियाबंद से महासचिव। फर्जी शिक्षा कर्मी को हटाने बाबत आज आंदोलन होने जा रही थी, लेकिन हमारे अध्यक्ष जो है युमेंद्र कश्यप जी का तबीयत खराब होने के कारण आज CEO जनपद पंचायत मैनपुर को ज्ञापन सौंपा गया। हमारा आंदोलन जारी रहेगा शिक्षा कर्मी को हटाने की। गरियाबंद से जयविलास शर्मा, छत्तीसगढ़ विजन टीवी। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यूं ही छत्तीसगढ़ के लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।